नमस्ते। तो आज हमारे सीखने का मकसद ये होगा कि हम पौधों में भोजन का परिवहन के बारे में पढ़ें और हम पौधों में जल के परिवहन के बारे में पढ़ें। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो आपके वो मैं साथ साथ थोड़ा लिख के समझाते रहूंगा, ठीक है? ठीक है। तो क्या होता है, ये मैं आपको एक थोड़ी ड्राइंग बना के ताकि आपको बेटर आ जाए समझ। ये सारे जड़ हैं, ठीक है? इसको आप जड़ की तरह समझ लीजिए। ये पौधा है, ठीक है? पौधे में पत्ते हैं ये। ठीक है, और ये आप सोचिए एक फूल है, ठीक है? पौधे, ठीक है। तो होता क्या है कि अब पानी जो है पौधे को आसपास कहाँ से मिलता है? उसे मिलता है ये जो जड़, उसकी जो जड़ होती है, वो जो जड़ होते हैं ये पानी अंदर लेते हैं अपने, ठीक है? ये जड़ पानी अपने अंदर लेते हैं। तो पानी अंदर लेने से क्या होता है, हर जगह से पानी अंदर ले रहे हैं, ठीक है? तो इससे एक तरीके का कॉलम बन जाता है पानी का, ठीक है? ऐसा पानी का कॉलम बन जाता है जो हल्का हल्का करके ऊपर चलता रहता है, क्योंकि ये तुम लेते रह रहे हो, पानी अंदर लेते रह रहे हैं, पानी अंदर लेते रह रहे हैं, ठीक है? जो जड़ जो है, तो पानी बढ़ता जाता है, ये कॉलम बढ़ते जाता है, कॉलम ये चले जाता है पत्तों को और फूल और बाकी जो भी अंग होते हैं, ठीक है? पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये होता है ये सिर्फ छोटे क्या कहते हैं, पौधों के लिए चल सकता है, ठीक है? जो बड़े बड़े जो ट्री होते हैं, जैसे कोई कोई 100 मीटर 200 मीटर तक के होते हैं, उसमें सिर्फ ये ऐसे पानी अंदर लेके इस प्रेशर जो बनता है, ये पानी का प्रेशर जो जड़ लेते हैं, इसको हम कहते हैं जड़ दबाव, माने रूट प्रेशर। तो क्या होता है बेसिकली कि जड़ सारे तरफ से पानी लेता है सॉइल के अंदर से, और वो पानी इकट्ठा होके एक तरीके का कॉलम बनाते रहता है और वो पानी चलता रहता है, ठीक है? ऐसे ऊपर चल चल के क्या कहते हैं पौधों के फूल और पत्तों तक जाता है, ठीक है? पर ये जो प्रेशर है, दबाव जो ये देता है जड़, ये आप सोचे 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक ऊपर पानी लेके जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, जो कोई कोई पौधे जो 100 मीटर तक के भी होते हैं, ठीक है? कितने 100 मीटर तक के भी होते हैं, तो उसमें सिर्फ जड़ दबाव से काम नहीं चलता। उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम एक नई चीज के बारे में पढ़ेंगे जिसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और हिंदी में उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो उसमें होता क्या है, आपको पहले वाष्पोत्सर्जन में बताने से पहले आपको बता दूं कि वाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपिरेशन की जरूरत क्यों है, ठीक है? अब जो इतने बड़े बड़े आप सोचो, इतने बड़े बड़े जो पौधे होते हैं, ठीक है, पेड़ होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो इनकी बाहर की बार्क जिसको कहते हैं, ठीक है, इनके अंदर ये मेजोरिटी सबसे ज्यादा जो होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं, मतलब मरे हुए कोशिकीय होते हैं ये सारे, ठीक है? कोशिकीय होते हैं, तो ये सेल्स सारे मरे हुए होते हैं। और चीज क्या है कि जो जो पेड़ पौधे होते हैं ये कहीं चलते नहीं है, उधर ही रहते हैं, ठीक है? तो इनको क्या कहते हैं, ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए होती है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये मरे हुए, इनमें बहुत सारे कोशिकीय होते हैं इस पूरे पौधों में और पेड़ों में बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं। तो इन दो चीजों की वजह से, एक तो डेड सेल्स और दूसरी बात कि इनको ज्यादा चलना नहीं हो, ज्यादा क्या बिल्कुल नहीं चलना होता, वहीं पे खड़े होते हैं, तो ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए होती इनको। बस चाहिए होता है कि पानी है, पानी बस ऊपर तक पहुंचा दो, तुम हल्की स्पीड से भी पहुंचाओ, बस हल्का हल्का करके ऊपर आ जाए, ठीक है? तो इसमें जो मेन काम जो आता है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट काम, आपको ये सब बताने से पहले एक और चीज बता दूं कि ये जो सारा जो पानी से ट्रांसपोर्ट होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता किससे, ये एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में जाइलम, हिंदी में भी जाइलम ही बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं, ज की जगह ज लगता है, जाइलम, ठीक है? अब जो ये जाइलम होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है? एक को कहते हैं वेसल्स, एक को कहते हैं ट्रकीज इंग्लिश में, हिंदी में इसको कहते हैं वाहिनिकाय और वाहिकाय, ठीक है? वाहिनिकाय और वाहिकाय दो होते हैं इसके, एक होता है वाहिनिकाय और दूसरा होता है वाहिकाय, ठीक है? दो तरीके के होते हैं, ठीक है? तो ये दो तरीके के वाहिनिकाय और वाहिकाय कहते हैं इनको, वेसल्स और ट्रकीज को, एक होता है वेसल, एक होता है ट्रकीज, ठीक है?
एक को कहते हैं वेसल्स को कहते हैं वाहिनिकाएं, प्रकीर्ति को कहते हैं वाहिकाएं। ठीक है, तो ये जो होता है ये एक ट्यूब की तरह होता है, ठीक है, इसके अंदर से पानी ऊपर चलता रहता है, ठीक है, और जो प्रेशर डालता है ना रूट, जो जड़ दबाव होता है ये ऊपर की तरफ प्रेशर डालता है, क्योंकि नीचे से हर तरीके ये जो सारे आपके जड़ है, ये सोचो जड़ है आपके, सारा जड़ है, ये पानी लेके ऊपर की तरफ दबाव डालता है और पानी ऊपर चढ़ता है, किसमें, जाइलम के थ्रू। जाइलम जो है उसमें फिर जैसे बताया था वेसल्स रखी, मतलब वाहिनिकाएं और वाहिकाएं होते हैं, ठीक है। अब चीज क्या होती है कि ये जो जा सकते हैं सिर्फ रूट, ये जड़ दबाव से 50 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर। तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उसमें एक नई चीज जो मैंने अभी आपको बोला था, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपिरेशन। ये देखिए, ये आपको जाइलम के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, आप ये सब पढ़ लीजिए, इस सब का जो निचोड़ है मैं आपको वो समझा रहा हूँ, ये पढ़ तो आप लेंगे, आपको निचोड़ समझा रहा हूँ कि होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है, आपको अगले पेज में दिखाता हूँ अगर आप चाहें तो, 1 सेकंड, ओके, लेकिन ये सब हटा के, ये सब समझा दिया, आपको अगले पेज में दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं वॉश पॉट सर्जन, कहते हैं वॉश पॉट सर्जन। तो इसमें होता क्या है, ये सब हटा के फिर आपको दिखाता हूँ, ये जो डायग्राम बना उसे मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वॉश पॉट सर्जन में क्या होता है कि ये वॉश पॉट सर्जन में कि ट्रांसपिरेशन, जो मैंने आपको पहले स्टोमेटा के बारे में कहा था जिसको हम रंध्र कहते हैं, ठीक है, तो स्टोमेटा जो है ये दिन के टाइम खुल जाता है, तो खुलने से क्या होता है कि जो इवापोरेशन होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो एक्सचेंज होते हैं रंध्र से, बट हल्का पानी भी जो है वाटर वेपर की तरह निकलता है। अब अगर पानी निकला तो इससे एक तरीके का नेगेटिव प्रेशर बन जाता है। नेगेटिव प्रेशर मतलब ये सोचो ये आपका वही पेड़ है, ठीक है, इसके अंदर जाइलम है एक ट्यूब की तरह, तो जो पत्ते होते हैं, पत्तों में रंध्र होता है स्टोमेटा, तो उसमें से ये पानी निकलता रहता है, ये हल्का हल्का पानी निकलता है। अब अगर ऊपर से पानी निकल रहा है तो, और नीचे पानी है, तो एक तरीके का जिसको हम सक्शन कहते हैं, इससे सक्शन क्रिएट होता है, ठीक है, और उस सक्शन की वजह से यहाँ पे पानी कम है, ठीक है, और जड़ दबाव की वजह से पानी ज्यादा है, तो प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर मतलब कि ऐसे कि ट्रांसपिरेशन जो है अपनी तरफ खींचता है पानी को, जो वॉश वॉश पॉट सर्जन है अपनी तरफ खींचता है, और जो जड़ दबाव है वो नीचे से ऊपर धक्का मारता है, पुश करता है, जिसको कहते हैं धक्का मार, और जो ट्रांसपिरेशन है वो पुल करता है, मतलब ऊपर की तरफ खींच रहा है उसको नेगेटिव प्रेशर कहते हैं, और नीचे से धक्का मार रहा है उसको पॉजिटिव प्रेशर कहते हैं। तो इसके द्वारा जो पानी है ये अलग अलग अंगों में पेड़ और पौधों के जाता है। और ये चीज ध्यान रखिए कि सुबह के टाइम जो आपका वॉश पॉट सर्जन है वो ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि रंध्र खुला होता है तो वाटर वेपर निकलता रहता है और ट्रांसपिरेशन खींचता है। पर रात्रि के समय क्योंकि रंध्र बंद होता है तो कुछ ऊपर से खींचने का नहीं होता, तो जो जड़ दबाव है वो ही सिर्फ पानी के ऊपर धक्का मारता है रात के टाइम। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये आपको मैंने बता दिया सारा, क्या कहते हैं, जल से रिलेटेड, जो जल का वाहन कैसे होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताते हैं खाने के बारे में, ठीक है, कि खाने का जो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट होते हैं, माने फोटोसिंथेसिस जो मैंने आपको बताया था क्या था, कि फोटोसिंथेसिस को हम बोलते थे, फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण जिसको हम कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण से जो बनता है खाना, क्या, ग्लूकोज बनता था। तो ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे कि वो पत्तों से बन के आगे आगे कहाँ जाता है, तो हम पहले ये सब हटा देते हैं, ठीक है, फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब ध्यान से सुनिए, अब क्या होता है कि जो खाने के प्रोडक्ट होते हैं, जो खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण से हमने क्या पढ़ा था, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब जो ग्लूकोज होता है इसमें 6 कार्बन होते हैं, कितने होते हैं, इसमें होते हैं 6 कार्बन होते हैं। अब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक बन के क्या बन जाते हैं, सुक्रोज कहते हैं उसको, उसमें कितने होते हैं, उसमें होते हैं 12 कार्बन, ठीक
है। तो दो मॉलिक्यूल जो होते हैं ग्लूकोज के, जो प्रकाश संश्लेषण से बनते हैं, वो एक सुक्रोज में बन जाता है। क्यों? क्योंकि सुक्रोज जो है उसको हम कहते हैं सोल्यूबल सब्सटेंस, जो पानी में सोल्यूबल हो। सोल्यूबल माने जो विलेय उत्पाद हो, ठीक है, जो विलेय उत्पाद हो, जो पानी में डिजोल्व हो सके। तो जब खाना बनाओ वो पानी में डिजोल्व होता है, ठीक है। जो ये लीफ है, ये जो है, ये आप देखिए, ये पत्ता है हमारा, ठीक है। तो पत्ते में खाना जो बनेगा, जो ग्लूकोज बनेगा, वो सुक्रोज बनता है। अब ये सुक्रोज जो है ये पानी में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये डिजोल्व होके पत्तों से अलग अलग जगह जाता है, पेड़ पौधों के, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ जाता है मैं बताऊंगा, बट अलग अलग जगह जाता है, ठीक है। तो ये पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, या हिंदी में इसको कहते हैं स्थानांतरण। क्या कहते हैं? स्थानांतरण, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्थानांतरण। ये देखिए यहाँ पे लिखा, आपको दिखाता हूँ, इसको कहते हैं हम स्थानांतरण कहलाते हैं, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। कि जो सुक्रोज होता है पानी में डिजोल्व होके, डिजोल्व माने विलय होके, अलग अलग अंगों में जाता है पेड़ पौधों के। तो अब ध्यान से सुनिए होता क्या है। अच्छा, ये चीज बोलने से पहले एक चीज बता दूं कि जो पानी है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, ऊपरी दिशा में, जिसको यूरिन डायरेक्शन में कहते हैं। ये देखिए, ये आया जड़ से, जड़ से ऊपर गया एवापोरेशन की वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से। पत्तों में से भी पानी निकलता है, नेगेटिव प्रेशर ऊपर खींचता है, पॉजिटिव प्रेशर ऊपर धक्का मारता है, नेगेटिव प्रेशर खींचता है, जो पॉजिटिव प्रेशर, रूट प्रेशर, जो जड़ दबाव है, वो ऊपर धक्का मारता है। तो सिर्फ ऊपरी दिशा में पानी चलता है, ठीक है। बट जो खाना होता है वो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पत्ता, खाना तो यहाँ बन रहा है, तो ये जो खाना है ये अलग अलग दिशा में जाता है। ये नीचे भी जाएगा, ये ऊपर बाकी क्या कहते हैं फूल पे जाएगा, ये आ, आ, बीजों में जाता है, ये वृद्धि में जाता है, ये आपके क्या कहते हैं जड़ पे जाता है, ये आपके मेन जो स्टेम है उस पे जाता है। तो अलग अलग जगह जाता है। तो जो पानी होता है वो सिर्फ ऊपर ही दिशा में चलता है, बट जो खाना होता है, जो भोजन होता है, ये ऊपरी दिशा तथा नीची दिशा में भी चल सकता है। तो इसको बाई डायरेक्शनल कहते हैं, खाने इसको जो होता है, मतलब फ्लोएम जो है हमारा, फ्लोएम जो है, ये देखिए आपके लिए लिखा हुआ है, फ्लोएम लाल वाला जो सब बनाया है ये फ्लोएम से रिलेटेड है, और जो जाइलम है ये ब्लू वाला है। तो खाना जो है ये फ्लोएम में ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और जाइलम वाला जो सिर्फ ऊपर जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि होता क्या। तो ये जो है कि ये हमारा है एक पत्ता, ठीक है। पत्ते में इतने सारे मैंने जो डॉट बनाए हैं, ये है आपका सुक्रोज, जो आपका फोटोसिंथेसिस से बना है। अब क्या होता है, फ्लोएम के भी दो भाग होते हैं। इसको एक होता है साथी कोशिका, जिसको कंपेनियन सेल कहते हैं, वो ये वाला है, ठीक है, ये कंपेनियन सेल है। और एक और होता है सीफ टू ट्यूब, जिसको कहते हैं चालनी नलिका, चालनी नलिका, ठीक है। वो ये वाली जो, ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो लाल वाला है यहाँ से यहाँ तक, ये इसको कहते हैं चालनी नलिका, ठीक है। तो होता क्या है, रुकिए अब दूसरा कलर देखता हूँ ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए, या ये हटा देता हूँ जो अभी बनाया, ठीक है। चालनी नलिका है और एक साथी कोशिका है। तो होता क्या है, ये जो सुक्रोज है ये अपने आप कहीं नहीं जाता, ठीक है। हमें इसमें एनर्जी, ऊर्जा यूज करनी होती है, माने एटीपी। तो एटीपी, ये जो पत्ता है, पत्ते में से ये साथी ऊर्जा एटीपी यूज करता है और सुक्रोज निकालता है अपने अंदर, और फिर एटीपी यूज करके ये सीव ट्यूब माने चालनी नलिका के अंदर डालता है, ठीक है। अब सीव ट्यूब में अगर बहुत सारे सुक्रोज आ गए, ठीक है, बहुत सारे सीव ट्यूब में सुक्रोज आ गए, तो क्या हो रहा है, ये सीव ट्यूब है और साथ ही साथ में जाइलम है। अब जाइलम में पानी है ज्यादा, ठीक है, पर फ्लोएम में जो सीव ट्यूब है, फ्लोएम का जो पार्ट है सीव ट्यूब, चालनी नलिका, इसके अंदर पानी नहीं है, बट इसके अंदर बहुत सारा सुक्रोज है। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो पानी जाइलम के द्वारा ऊपर जा रहा होता है, ये बीच में आ जाता है, कहाँ? ये आ जाता है फ्लोएम में, कहाँ? चालनी नलिका के अंदर फ्लोएम का, ठीक है। तो यहाँ पे पानी भी आ गया, सुक्रोज भी आ गया। अब देखिए, अब सुक्रोज जो है ये है विलेय उपाधेय है, ठीक है। तो ये डिसॉल्व हो जाता है पानी में। अब ये पानी के साथ, या तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर है क्योंकि यहाँ बहुत सारा सुक्रोज है। अब सोचिए एक नीची जगह है जैसे जड़ मान लो, और एक ऊपर जगह है, सोचो कि कोई बीज उग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सुक्रोज नहीं है, तो वहां पे प्रेशर कम है, तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है, ये वाले एरिया में प्रेशर ज्यादा है, ये वाले एरिया में, इन दोनों एरिया में प्रेशर कम है। तो अपने आप पानी के साथ ये जो है सुक्रोज, ये नीचे जाएगा और अपने आप खुद ही खुद क्या कहते हैं, ये जहाँ पे खाना पहुंचाना होगा, जहाँ पे खाना कम है, जहाँ सुक्रोज कम है, वहां तक ले जाता है, ठीक
ठीक है, और वहां पे ले जाके कंपेनियन सेल फिर एटीपी यूज करेगा। यहाँ पे फिर अपने आप कुछ नहीं होता, यहाँ हर जगह एटीपी यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक नीचे लाया, एटीपी यूज करता है कंपेनियन सेल, जिसको हम साथी कोशिका कहते हैं, और फिर ये जड़ों में या फिर फल में, बीजों में, वृद्धि में जाके खाना देकर आता है। अब जैसे ही खाना अंदर चला गया, ठीक है, सुक्रोज अंदर चला गया, तो इस जगह पे, फिर इस जगह पे, ये दोनों जगहों पे फिर पानी पानी ज्यादा है, ये ऊपरी जगह पे और ये नीचे वाली जगह पे, यहाँ पानी ज्यादा है पर सुक्रोज नहीं है, तो क्या होता है, ये जो पानी है ये वापस चले जाएगा जाइलम में। कहाँ चले जाएगा, ये जाइलम में चले जाएगा, और जाइलम के साथ ही फिर ऊपर ऊपर जाके बाकी अंगों के जो पत्ते वत्ते हैं, जो ऊपर ऊपर जगह पे जो है, ये क्या कहते हैं, फल होंगे, वहां पे पानी जाता है। तो पानी की वजह से खाना जो है, जो भोजन है, वो भी वाहन, भोजन के वाहन के लिए पानी भी जरूरत है। कि होता क्या, सुक्रोज आया, ठीक है, साथी कोशिका ने एटीपी यूज किया, उसको फिर सीव ट्यूब के अंदर, माने चालनी नलिका के अंदर लाया, फिर चालनी नलिका में सुक्रोज बहुत ज्यादा हो गया, तो जाइलम से पानी अंदर आता है क्योंकि प्रेशर बढ़ गया। अब यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर है, अब जो जगह पे खाना नहीं है वहां पे प्रेशर कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सुक्रोज नहीं, तो वहां से पानी के साथ ऊपरी दिशा भी जाता है, नीचे दिशा भी जाता है, ठीक है, खाना जो है, भोजन है, पर जाइलम में सिर्फ ऊपर जाता है खाना जो है, ये ऊपर नीचे जाता है, और वहां पे जाके फिर कंपेनियन सेल, जो साथी कोशिका है, वो एटीपी यूज करके सुक्रोज अंदर लेते हैं, और वो साइड वाले क्या कहते हैं, फल हो गया, फल कोशिकाएं या बीजों में खाना दे देते हैं। अब वहां पे खाना चला गया, तो फिर फ्लोएम के अंदर प्रेशर, पानी ज्यादा है बट सुक्रोज नहीं है, और जाइलम में क्योंकि पानी निकल के फ्लोएम में आता है, तो जाइलम में पानी कम है, तो फ्लोएम से वापस खाना देने के बाद पानी जाइलम में चले जाता है। ठीक है, तो ये चीज होता रहता है। तो इस सब के लिए आप देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, कि खाने के लिए भी पानी है, और पानी के लिए भी सबसे स्ट्रॉन्ग जो फैक्टर है वो है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं वॉश पॉट सर्जन, तो वॉश पॉट सर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो खाने, पानी भी उससे ऊपर नीचे होता है, पानी ऊपर नीचे होने के साथ ही खाने को भी ऊपर नीचे में हेल्प करता है। तीसरी बात, एक टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन माने ताप के नियम में भी ये सहायता देता है। ताप के नियम मतलब जो आपका टेम्परेचर होता है उसको भी, क्योंकि पानी निकलता रहता है, तो वो फिर ज्यादा क्या कहते हैं, ना गर्म ना ठंडा, उस हिसाब से पानी निकलता है। ज्यादा गर्म हो गया तो पानी वो नहीं निकालेंगे, अपने अंदर रखेंगे ताकि ठंडा हो, अगर ज्यादा ठंडा हो रहा है तो पानी निकाल देंगे ताकि वो टेम्परेचर सही हो। तो इसके साथ हम आज खत्म करते हैं अपनी क्लास। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, मैंने बना के आपको समझाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, वीडियो वापस देखनी है तो वापस देख लीजिए। धन्यवाद आज के लिए, शुक्रिया।